प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर ही 60 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ पकड़े गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशों पर सभी जिलों में आबकारी पुलिस, आयकर समेत 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के स्टेट नोडल अफसर मनमोहन मैनारे ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद 16 मार्च से 18 मार्च तक विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने 60 लाख से अधिक कीमत की अवैध शराब, मादक पदार्थ, अनाधिकृत नकदी एवं अन्य सामग्री सीज की है। अगर आप आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट बनवाना चाह रहे हैं तो ये मुराद पूरी नहीं हो पाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 10 दिन पहले तक जिन्होंने वोट बनवाने, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया होगा और वो निर्वाचन कार्यालय के सॉफ्टवेयर में आ गया होगा, केवल वही लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। श्रीनगर बेस चिकित्सालय श्रीकोट में विगत 9 मार्च को चमोली जिले के नंदनगर भेटी गांव की एक महिला ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया था। जन्म के बाद शिशुओं का वजन से लेकर अन्य तरह की परेशानी थी, किंतु बेस चिकित्सालय के बाल रोग विभाग के डॉक्टरों की टीम ने 10 दिनों के इलाज के बाद महिला के शिशुओं को नया जीवन दान दिया है। शिशुओं को बेहतर इलाज देकर उनको नया जीवन देने पर बेस अस्पताल के डॉक्टरों का आभार प्रकट किया गया। ये बच्चे हमारे पास 9 तारीख को 9 मार्च को सुबह 7:45 पर हुए थे और चमोली जिले से घाट नंद प्रयाग से आए हैं। तो तीनों बच्चे जो है समय से काफ़ी पहले पैदा हो गए थे। वजन भी तीनों का जो है नॉर्मल बच्चों से काफ़ी कम था। एक का वजन 1.5 किलो और एक का 1 किलो 600 ग्राम, एक का 1 किलो 700 ग्राम था। तो तीनों बच्चों को शुरुआत में हमने नर्सरी में रखा। जितनी जल्दी केयर देनी चाहिए उतनी जल्दी केयर शुरू हो गई थी बच्चों की। तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा एंटीबायोटिक वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी बच्चों को देने की। धीरे धीरे बच्चे इम्प्रूव करने लगे और फिर उसके बाद नली के द्वारा और फिर कटोरी चम्मच से धीरे धीरे फीड शुरू करिए। अब बच्चे आज मम्मी की छाती से भी अच्छे से दूध पी ले रहे हैं। तो आज पूरे 9 दिन हमारे पास रहने के बाद अच्छे स्वस्थ हालत में बच्चे जो है हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। पेशेंट होती है समय से पहले, जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वो सब कर हो चुके हैं। जो सुविधा हमारे यहाँ पे सब चीज़ की अवेलेबल थी और सबके जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी सब नॉर्मल आई। मैं नगर घाट से आया हूँ यहाँ पे श्रीनगर से। मेरे 3 बच्चे हुए हैं यहाँ पे और 2 बालक हैं, 1 बालिका है। और मैं और मुझे यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला है बच्चों को और मैं सभी डॉक्टर्स और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं नंदा नगर घाट से आई हूँ। मेरे भतीजे के 3 बच्चे हो रखे हैं, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। मैं बहुत खुश हूँ और सभी डॉक्टरों को सिस्टरों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिथौरागढ़ लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सूचनाओं के आदान प्रदान और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में नेपाल सरकार की ओर से भी दिया जाएगा पूर्ण सहयोग। साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी समन्वय से कार्य किए जाएंगे। भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी रीना जोशी तथा प्रमुख जिला अधिकारी किरण जोशी दारचूला नेपाल की संयुक्त अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों की ओर से विभिन्न एजेंडे बिंदुओं पर चर्चा की गई। 19 अप्रैल को यहाँ पर पोलिंग उसको ध्यान में रखते हुए नेपाल की जो हमारी सीमा जो नेपाल को 2 डिस्ट्रिक्ट से लगती है दार्चुला और बैतड़ी, तो वहाँ सबको इस हाथ कोऑर्डिनेशन की गई थी। वहाँ पर दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीडीओ और पूरी टीम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ बैठक की गई थी और हमारे जो कंसर्न है उनको बताए गए थे। और जो हमारे 19 तारीख को जब हमारा पोलिंग होगा उससे पहले 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे और साथ साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी। और हमारी एसएसटी की टीमें तैनात रहेंगी, वो जगह जगह पर चेकिंग करेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेपाल के डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड की है और उनको सहयोग की अपील की है। और ये भी उनसे अपील की है कि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने नागरिकों को पहुँचा दें ताकि एंड टाइम पर किसी को जो सामान्य आवागमन होता है या सामान्य तरीके से लोग बात होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई हरेसमेंट ऐसा फील ना करें। और इस तरह से इन्फॉर्मेशन के पास रहेगी तो नागरिक वहाँ के नेपाल के नागरिक भी इसके लिए तैयार रहेंगे कि इस तरह की यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो सकती है। और साथ ही साथ जब जो भी काम होंगे 72 घंटे से पहले जब हमारी सीमाएं सील हो जाएंगी तो कोई अगर आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो जो भी काम उनके पहले होंगे वो निपटा लिए जाएंगे और उस वक्त इस तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जनता और विभिन्न संगठनों का लगातार समर्थन मिल रहा है। नामांकन से पूर्व ही उनके समर्थन में कई संगठन आगे आने लगे हैं। वहीं ऑटो यूनियन देहरादून ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना समर्थन दिया। जिला अध्यक्ष मनेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में यूनियन के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं